पशुपालक मित्रों, पहले मैंने जो है इम्पॉर्टेंट ऑफ काऊ, गायों का महत्व के बारे में मानव के लिए एक वीडियो बनाया था। आज मैं गोपालन, गायों का पालन कैसे किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस संदर्भ में एक वीडियो बना रहा हूँ जो अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं गायों को कैसे पाला जाए। देखिए, गोपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक कार्य है जिसमें जो है मानव का स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और हमारा एग्रीकल्चर सभी को ये गाय जो है से लाभ मिलता है, सबको पोषित करती है। तो गायों के पालन में चार महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें इनका आवास व्यवस्था, इनका भोजन व्यवस्था, इनका देख रेख तथा बीमारी की रोकथाम। ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी आवास व्यवस्था इनके अनुकूल, इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल, इनकी सुविधाओं के अनुकूल और इनके इसमें आराम से रह सकें और ये जो है कंफर्टेबल ऐसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं जो है आवास व्यवस्था कैसा हो। हमने एक छोटा सा गौशाला जो है एक बना रखा है जिसको दिखाते हुए हम आपको बताएंगे कि इनका आवास कैसा होना चाहिए। तो इधर सामने जो है ये आवास व्यवस्था है, गाय का आवास व्यवस्था है। इसमें दो गाय हैं साहिवाल जो है। देखिए, इसमें खाने के लिए, पानी पीने के लिए, इनको टहलने के लिए इसमें इनकी आवास व्यवस्था है। देखिए, गाय है, इसमें जो है सारी इनके अनुकूल व्यवस्था रखकर के इधर बाहर जो है इनके टहलने के लिए है और ये अंदर रहती है छाए में, बाहर यहाँ टहलने के लिए व्यवस्था है। तो आवास इनमें मुख्य बात सबसे जरूरी यह है कि आवास जो है, आवास इनका इसमें छाए की व्यवस्था और जो पानी पीने की व्यवस्था और जो है खाने की व्यवस्था और थोड़ा इनको टहलने की व्यवस्था। ये जो है टहलती है, इसमें जो गाय जो है ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसमें जो है अंदर इधर आइए जो तीन, दूसरा जो आवास व्यवस्था के बाद जो है इनकी खान पान, इनका भोजन जो है संतुलित और इनकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। तो मुख्य रूप से देखो, इनके हरा चारा और भूसे के साथ साथ एक कंसंट्रेट राशन होता है जिसमें 50% तक ये जो है चोकर है और जो है इसमें 25% तक जो चूनी, जो अरहर की चूनी या जो है चने की चूनी होती है और इसमें 10 से 5% खली के सरसों खली है। इसमें जो है ये मिनरल पाउडर है, 2% मिनरल पाउडर होने चाहिए अच्छी कंपनियों के और 1% नमक जो है और 1% जो है गुड़ जो है सुक्रोज के लिए गुड़ या खाड़ या जो भी शीरा इत्यादि 1% होना चाहिए। तो ये भोजन जो है इनको ये दूध के आधा मतलब 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो तक कंसंट्रेट राशन, 5 से 10 किलो भूसा और हरे चारे की व्यवस्था है तो 10 से 20 किलो हरा चारा जो है कि होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है आवास के बाद भोजन हो गया, भोजन के बाद जो है इनका जो है देख रेख कैसा हो। तो देख रेख में सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी हो, इनकी धुलाई सफाई अच्छी हो। देख रेख में देखिए जो है ये बीच बीच में इनको जो है ये फिनाइल के से इनकी अंदर धुलाई सफाई होनी चाहिए और समय समय पर ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर से जो है खास कर इनका ब्लीचिंग पाउडर से देखिए जो है नाद है इसमें काई लग गई है, इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर से पोत करके इसमें जो है इसकी धुलाई की जाती है और साथ में जो है पानी में जो गंदगी है ये ब्लीचिंग पाउडर से समाप्त हो जाता है। बाद में जो है इसमें चूने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो धुलाई सफाई में जो है डेली गौशाला की धुलाई होनी चाहिए और इसमें मच्छर मक्खी ना आ सके, इसके नुमान है जो है तो ये जो है इसका 2% सॉल्यूशन छिड़कने से सारे पैरासाइट मक्खी मच्छर किल्ली सारे जो जमीन पर जो होते हैं सब मर जाते हैं। तो इसमें जो है इधर है तो देख रेख में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें धुलाई सफाई है और इसकी नाली और ड्रेनेज हो, सारा पानी धुलाई सफाई से बाहर निकल जाए, थोड़ा भी गौशाला में गंदगी नहीं होना चाहिए, 2 टाइम धुलाई हो और इनके जो खाने के स्थान ये सब साफ सुथरा हो और कहीं से भी कोई गंदगी गौशाला में नहीं होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी जो है देख रेख में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है गायों को कम से कम बांधा जाए, इनको चैम्बर बना करके इनको छोड़ कर रखा जाए।
चलो देखिए हमारे जितने भी ये जानवर हैं ये सब, ये बच्चियों का चैम्बर है, इसमें बच्चियां हैं जो छोटी, इधर जो है इसमें जो है हीफर है जो प्रेग्नेंट है इसमें रहती हैं। तो इसमें जो है इनको हमेशा 24 घंटा बांधने से इनका जो है रिक्वायरमेंट स्वास्थ्य तनाव होता है बाधित होता है। इनको अधिक से अधिक जो है खुला रखा जाए, हाथ दुखते या खाते समय आवश्यक हो तो थोड़ा बहुत बांधा जा सकता है, नहीं तो कम से कम बांध कर इनको स्वतंत्र रखना आवश्यक है। और तीसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है बीमारी के रोकथाम। तो बीमारी के रोकथाम में इसमें जो है कुछ टीके होते हैं, जैसे अब मई जून में जो है जुलाई तक लगते हैं, इसमें गलाघोटू के हैं और जो है खंगवा खुरपका मुहपका के हैं, लंगड़ी बीमारियों के, इनके टीके समय से लगने चाहिए और डिवर्मिंग इत्यादि समय से साल में 2 बार मिनिमम होना चाहिए। तो ये बातें जो है अगर ध्यान में रखा जाए तो गोपालन बहुत अच्छी तरह जो है किया जा सकता है, जानवर हमारे स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी जो है अच्छे दुधारू जानवर जो दूध दे सकते हैं। ये 4 बातों जो महत्वपूर्ण जो हमने बताया गोपालन में, ये अगर ध्यान रखा जाए तो हमारे पशुपालक इस गायों को बहुत अच्छी तरह जो है पाल सकते हैं और इनको इससे लाभ दे सकते हैं। धन्यवाद।